यदि वो पार्टी से नहीं भी प्रूफ करवाई है तो प्रॉपर्टी तो ज्वाइंट हो ही जाएगी। तो ज्वाइंट हो जाएगी तो मेरी सेल डीड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर सेफ रहेगी, रिस्पॉन्ड नंबर 3 के शेयर तक तो मेरी सेल डीड सेफ रहेगी। इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट पार्टीशन देन ही विल ऑल्सो हैव अ शेयर इन द प्रॉपर्टी मिलोट हेतराम कौर एंड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर मिलोट माई सेल डीड वुड बी वैलिड, आई कैन गेट इट पार्टीशन थ्री डिसाइडेड बाय द मालिक तो है उसकी जमीन की। नहीं, मालिक होगी टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ शेयर में। मैं वो अपना अपना ऑलरेडी उसके दावे में प्लीडिंग है कि वो अपना आधा हिस्सा पहले ही बेच चुका था। वो तो प्रमाणित किया नहीं उन्होंने, नाइदर द ये सेल तो डिड। ये तो रिकॉर्ड पर उसने दस्तावेज लगाए ना, जी उसने एग्जिबिट अपने खसरे के लगाए नहीं। उनका राइट क्या है वादी का? रोड शी क्लेम्स टू बी द डॉटर ऑफ सुग्रीव मरो, द सूट प्रॉपर्टी ओरिजिनली बिलोंग टू दहदक कोल मरो, डॉटर ऑफ सुग्रीव कोल, सुग्रीव कोल। यस, तो मतलब प्रॉपर्टी किसकी थी? प्रॉपर्टी ओरिजिनली बिलोंग टू दहदक कोल मरोट, दहदक अच्छा, कोल एट टू सन्स मरोट, सुग्रीव कोल एंड हेतराम कोल, हेतराम कोल इज डिफेंडेंट नंबर 3 एंड द प्लेंटिव राम सुग्रीव कोल एंड हेतराम कोल, ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई हेतराम कोल जी, और इनके पिताजी कौन हो गए? दहदक कोल। दहदक। ये प्रॉपर्टी दहदक कोल की थी, जी ये रकवा जो है 1.416। जी देयर आर टू फोर सर्वे नंबर्स इन्वॉल्व, मतलब फोर सर्वे नंबर, मतलब सूट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली वन सर्वे नंबर, टू सर्वे नंबर्स, टू 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 टू। टू इसने जो भूमि स्वामी माना है अपने आप को, वो तो केवल खसरा का एक का भूमि स्वामी, अच्छा दो हैं, दो है खसरा सर, नंबर 14 भी है, 14.142। ये बोलती है कि ये जो है ये दोनों का भूमि स्वामी, इसको घोषित किया जाए। जी तो ये जो है ये दोनों प्रॉपर्टी दहदक कोल की थी, और भी रही होंगी। चार टोटल, चार प्रॉपर्टी थी जिसका टोटल खसरा होता 2.974 चार, दो और कौन सी हैं सर, 11/1 का, 11/1 का तो ये दावा ही है। जी क्या ये दावा है 11/1 का और 14 का, 14, और दो और कौन सी प्रॉपर्टी हैं? 11/1 खा, 11/1 खा और 11/2, 11/2 जी और 11/1 खा का रकबा कितना है? 11/1 खा का है 0.607 हेक्टेयर्स एंड 11/2 का 0.809 हेक्टेयर्स, 809 हेक्टेयर। अच्छा ठीक है, तो ये क्या केस है वादी का? वादी का केस ये है कि दहदक की मृत्यु के बाद, पिताजी की मृत्यु दहदक के पूर्व होगी उनकी, सुग्रीव कोल डाइड बिफोर दहदक कोल एंड आफ्टर दहदक कोल मिलोट शी क्लेम दैट पार्टीशन टुक प्लेस बिटवीन हर एंड हेतराम कोल एंड दिस सूट प्रॉपर्टी 11/1 का एंड 14 वाज रिसीव्ड बाय हर एंड पार्टीशन। हाँ यस, फिर क्या हुआ? फिर इनकी एलिगेशन ये है कि हेतराम कोल गॉट इज नेम म्यूटेटेड ओवर द इंटायर प्रॉपर्टी एंड सोल्ड मिलोट एंड ही फर्स्ट इनिशियली एग्जीक्यूटेड अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ हिज वाइफ एंड वाइफ एग्जीक्यूटेड, हेतराम ने, हेतराम, हेतराम की वाइफ कौन है? नंबर 2, डिफेंडेंट नंबर 2, श्रीमती सुनीता। नंबर 2 तो सुनीता तो विजय कोल की पत्नी है, जी हेतराम तो नंबर 3 है, विजय तो कोई और हुआ। जी मतलब हेतराम कोल थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी सोल्ड दिस प्रॉपर्टी टू द प्रेजेंट अपीलेंट, टू अ प्रेजेंट अपीलेंट, मतलब पावर ऑफ यानी अटॉर्नी वाज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ सुनीता कोल, सुनीता कोल मतलब उसकी वाइफ नहीं है ये, वाइफ नहीं है सर, यानी कि डिफेंड नंबर 2 ऑन द बेस ऑन बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी सोल्ड टू डिफेंड नंबर 1। डिफेंडेंट क्या नंबर सोल्ड कर, क्या सोल्ड कर दिया? मतलब दीज टू सर्वे नंबर्स, ये जो डिस्प्यूटेड सर्वे नंबर, डिस्प्यूटेड सर्वे, और ये जो जो दूसरे सर्वे नंबर थे 11/1 खा एंड 11/2, ये कहाँ पे हैं? ये उनका कहना, वादी का कहना है, किसी और को पहले ही विक्रय कर चुके हैं ये लोग बेच बेच चुके हैं, ये उनका कहना है। अपीलेट कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने क्या माना इस संबंध में, दावा क्यों खारिज किया? ट्रायल कोर्ट का ये कहना था सर, अंडर सेक्शन 6 प्रायर टू अमेंडमेंट
द प्रॉपर्टी डिवॉल्व ऑन द सक्सेसर सक्सेडिंग मेल मेंबर्स ऑफ द कोपार्सनरी, कौन सा था अमेंडमेंट? अमेंडमेंट 99 2005 वो इन द तो हिंदू हिंदू खत्म हो सक्स गया, हिंदू सक्सेशन वो तो वाला तो लॉ खत्म हो गया। एक्ट। वो लॉ मीन्स वो जो 2005 के अमेंडमेंट में कहा ना लड़कियों को राइट नहीं है, ये नहीं है, वो जजमेंट तो खत्म हो गया। प्रकाशवती वाला जजमेंट था ना, जी तो 2019 में खत्म हो गया, जिसकी वजह से झगड़ा पैदा हुआ था। प्रकाशवती वाला जजमेंट था ना, जिसकी वजह से लड़की को ये मिलेगा, लड़की को ये मिलेगा, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया 2019 में, ओवर रूल कर दिया। बल्कि उन्होंने कहा ये जो है, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का झगड़ा पैदा हुआ था ना, ये आपको तो इसका क्या ये है लड़की कि बाय बर्थ मिलेगा लड़की को, को लेटेस्ट लॉ, मिलेगा, लेटेस्ट लॉ ये है बाय बर्थ शी विल गेट, मिलेगा, मिलेगी मिल गया उसको। मिल गया, बट हर क्लेम वाज नॉट बेस्ड मिलॉर्ड ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टीज वर नॉट डिवाइडेड, शी क्लेम दैट पार्टीशन हैड टेकन प्लेस, नाउ शी इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट पार्टीशन हैज टेकन प्लेस एंड शी वाज इन पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, नाउ शी कुड नॉट प्रूव मिलॉर्ड दैट पार्टीशन वाज पार्टीशन हैड टेकन प्लेस एंड शी इज इन पोजेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, फॉर दैट मिलॉर्ड शी विल हैव टू क्लेम पोजेशन, बट दैट टू डिफरेंट थिंग। If she claims only a right in the undivided property, my lord, then she has a right. But his case, but her case is that the property was already partitioned after the death of the other court, and she received the suit property in partition. नहीं, क्या अपीलेट कोर्ट हैज फाउंड दैट सी इज नॉट इन पोजीशन? My lord, the trial court recorded a finding, and the appellate court says, my lord, that since it is a joint family property, therefore all the co-sharer will be deemed to be in possession of the property. Now that principle will not be applicable in this case. Once the partition takes place, my lord. Then it cannot be said that all the co-sharers are in joint नहीं, possession. अपीलेट कोर्ट हैज मस्ट हैव रिकॉर्डेड फाइंडिंग दैट पार्टीजन हैज टेकन प्लेस एंड दैट दिस No, प्रॉपर्टी हैज no. फॉलन इन द शेयर ऑफ द No, प्लेंटिफ। this finding is not there. This is what, my lord, I am submitting. बताइए कहाँ है अपीलेट कोर्ट ने क्या कहा है? Paragraph 18 देख। Para 18 पे 31। अब तक के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यहां तक यह स्वीकृत है। पैरा 13। Para 18 सर। Para 18 पेज 31। जी अब तक के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यहां तक यह स्वीकृत है कि वादग्रस्त अराजियत के साबिक मालिक दहदक कोल थे, उनके दो पुत्र सुग्रीव कोल अर्थात वादिनी अपलांड के पिता एवं बट प्रतिवाद, अपीलेट, सॉरी, मैंने ट्रायल कोर्ट का अपलेट कोर्ट का पेज 31 में। अब ट्रायल कोर्ट रिकॉर्डेड अ स्पेसिफिक फाइंडिंग नॉट दैट शी हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव पार्टीशन एंड दैट शी इज नॉट इन पोजेशन, इशू नंबर 2 एंड 3। यदि वो पार्टी से नहीं भी प्रूव करवाई है तो प्रॉपर्टी तो ज्वाइंट हो ही जाएगी। तो ज्वाइंट हो जाएगी तो मेरी सेल डीड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर सेव रहेगी, रिस्पॉन्ड नंबर 3 के शेयर तक तो मेरी सेल डीड सेव रहेगी। इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट पार्टीशन देन ही विल ऑल्सो हैव अ शेयर इन द प्रॉपर्टी मिलॉर्ड हेतराम कोर, एंड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर मिलॉर्ड माई सेल डीड वुड बी वैलिड, आई कैन गेट इट पार्टीशन। सही, अपीलेट का ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा? अपीलेट कोर्ट का पैराग्राफ पैराग्राफ 18 18। हाँ अब तक के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यहां तक यह स्वीकृत है कि वादग्रस्त अराजियत के साबिक मालिक दहदक कोल थे, उनके दो पुत्र सुग्रीव कोल अर्थात वादिनी अपलांड के पिता और प्रतिवादी क्रमांक 3 हेतराम कोल हुए। सुग्रीव कोल अर्थात वादी अपलांड के पिता की मृत्यु बिना कोई वैध वसीयत छोड़े उनके दादा दहदक कोल के जीवन काल में आज से लगभग 25 से 30 वर्ष पूर्व हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद वादिनी अपलांड की माता मनवती उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके कारण उसका पालन पोषण और विवाह उसके चाचा प्रतिवादी प्रत्यर्थी क्रमांक 3 हेतराम कोल ने किया। उसके पिता सुग्रीव कोल की मृत्यु के 3 वर्ष पश्चात उसके दादा दहदक कोल की भी मृत्यु हो गई, अर्थात ये सभी घटनाएं 17 जून 1956 के बाद और 9/9/2005 के बीच घटित हुई। तब इन पक्षकारों के बीच वादग्रस्त अराजियत के संबंध में हक व अधिकार के न्यायगमन के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधित या अनसंशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रवर्तनीयता पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के पैरा 17, 18 व 19 में यह भी मत व्यक्त किया है कि चूंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में अधिनियम की धारा 6 में किए गए संशोधन के पूर्व वादिनी अपलांड के पिता सुग्रीव कोल की मृत्यु हो गई थी, इस कारण सुग्रीव कोल के हिस्से की भूमि उत्तर जीविता के आधार पर उसके भाई प्रतिवादी प्रत्यर्थी क्रमांक 3 हेतराम कोल को न्यायगत हो गई थी। ऐसी स्थिति में वादिनी अपलांड का दहदक कोल की पैतृक संपत्तियों पर कोई हक वारिसा नहीं है, दिस इज द फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत अपील के सम्यक निराकरण हेतु निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न उत्पन्न होता, नाउ द प्रोविजन ऑफ मिलॉर्ड सेक्शन 6 अनअमेंडेड वॉज टेकन इन टू कंसिडरेशन एंड देन द अल्टीमेट फाइंडिंग इज इन मिलॉर्ड पेज 33। पेज 33 में टॉप से देखेंगे सर,
साबिक मालिक दहदक कुल की मृत्यु के बाद अधिनियम की अनुसूची के वर्ग एक में वर्णित उनके दो उत्तराधिकारी उनके छोटे पुत्र प्रतिवादी प्रत्यर्थी क्रमांक 3 हेतराम कोल और उनके पूर्व मृत पुत्र सुग्रीव कोल की पुत्री वादिनी अपलांट रामबाई। चूंकि वादिनी अपलांट रामबाई अपने दादा दहदक कोल के पूर्व मृत पुत्र सुग्रीव कोल के अधीन दावा करती है, ऐसी परिस्थितियों में वादग्रस्त राज्य के हित का न्यायगमन हरगिज असंहिताबद्ध हिंदू विधि की उत्तरजीविता के नियम से नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में वादिनी अपलांट के पिता और चाचा के बीच बंटवारा हुआ था या नहीं, यह प्रश्न अच्छा, ये प्रश्नगत। जो पहले ये जो इसने बेचा था जी चाचा ने, जी उस सेल्डिट रिकॉर्ड पर है नहीं क्या? है, सेल्डिट रिकॉर्ड पे नहीं, दैट सेल्डिट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, ओरिजिनली नंबर क्या था उसका? ये जो प्रतिवादी नंबर 3 है, जी इतना हेतराम, इसका जवाब दावे का पैरा 8 देखें जरा। वो उसने सपोर्ट, ये सपोर्टेड द प्लेंटिफ। द पॉइंट इज नॉट दिस सूट वाज बेस्ड ऑन पार्टीशन, इट इज नॉट नॉट दैट शी क्लेम्स अ राइट ऑन द बेस ऑफ सेक्शन 6 मिलॉट आइदर प्री अमेंडेड और अमेंडेड, शी क्लेम्स हर राइट ऑन द बेस ऑफ अ पार्टीशन। Now for establishing a right on the basis of partition, not she has to establish partition first. अब कोर्ट, अपेलेट कोर्ट ने कह दिया सहभूमि स्वामी, सहभूमि इसकी वो कराई है क्या आपने, सुनीता की एविडेंस? नहीं सुनीता के पास। फिर ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जी इसके बारे में, इसकी एविडेंस के बारे में क्या कहा? क्योंकि इसका इसने इससे हितराम से तो खरीदी नहीं है, हितराम इतराम से नहीं करेगी। से खरीदी नहीं है, हितराम से इसकी कोई बेचने खरीदने की बातचीत भी नहीं हुई। जी कब्जे के बारे में बताइए, कब्जे की क्या स्थिति है? कल कब्जे के बारे में क्या वादी ने कहीं कुछ ऐसा कहा है कि उसका कब्जा नहीं है? कुछ उसने कहा नहीं, प्रमाणित भी नहीं किया सर। ये लॉर्डशिप में काइंडली सी मिलोड इशू नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3 मतलब डिसाइडेड बाय द, ये मालिक तो है उसकी जमीन की, नहीं मालिक होगी टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ शेयर में। माय लेकिन वो वो अपना अपना ऑलरेडी उसके दावे में प्रिंटिंग है कि वो अपना आधा हिस्सा पहले ही बेच चुका था। तो प्रमाणित किया नहीं उन्होंने, नाइदर द सेल्ड। ये तो रिकॉर्ड पर उसने दस्तावेज लगाए ना, जी उसने एग्जिबिट अपने खसरे के लगाए, नहीं तो नन्नी भाई क्या नाम है उसका, नाम दर्ज है चाहे राम भाई, वो इसको उसने बेचा था ना, देवनंदी, देवनंद देवनंदी को इसने बेच दिया था अपना हिस्सा। जी और इवन ये जो आपका पक्षकार है, इसने स्वीकार किया है कि हाँ इसका आधा हिस्सा था, वो नंबर 3 ने स्वीकार किया, क्या नाम है, हेतराम को, हेतराम। अच्छा हेतराम ने किया है। हमारा तो केस ये था कि ये सुग्रीव कोल की लड़की ही नहीं, लड़की नहीं है तो हमारा ही केस था, बट दैट फाइंडिंग हैज बीन रिकॉर्डेड। ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, हाउ हैव यू प्रूव्ड द पावर ऑफ अटॉर्नी? पावर ऑफ अटॉर्नी मिलोट She has not challenged only on the ground that Hetram had no right over this property and therefore he could not have executed a power. Other grounds have not been taken that power of attorney is doubtful or power of attorney is not valid. Because you have not purchased the property directly अच्छा from ये Hetram, जी तो हाउ हैव यू प्रूव्ड दिस पावर ऑफ अटॉर्नी? हैव यू फाइल्ड द कॉपी ऑफ सर, पावर ऑफ अटॉर्नी? एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट डिस्प्यूटेड कोई बात नहीं, ओनली। जी कोई बात नहीं, इट इज नॉट इन डिस्प्यूट, बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रूव दी वैलिड टाइटल कन्फर्ड अपॉन यू। आपने एक जो है पागल से जमीन खरीद ली, एक पावर ऑफ अटॉर्नी को ले गए, कोई बात नहीं, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ है? सुनीता कोल की एविडेंस कैसे होगी? कोई एक सुनीता, पैसा किसको दिया आपने, सुनीता कोल तो कहाँ है? ये तो दिस इज नॉट द ग्राउंड ऑफ चैलेंज। और सुनीता कोल उसकी पत्नी होती तब भी मान लेते, चलो भाई पागल था आपने, से सुनीता कोल की और एहतराम की कोई रिश्तेदारी नहीं है। जी कौन है ये सुनीता कोल? सुनीता कोल का है सर कि वो उसकी वाइफ है, नहीं है सर, वाइफ नहीं है, सुनीता कोल वाइफ है विजय कोल की। आप टिडवा है ना? टिडवा। नहीं, टिडवा नहीं, तो ये बात सब स्वीकार किया है।
पैराग्राफ 6 टुडुआ का मैं पढ़ता हूँ। यह कहना सही है कि हेतराम व सुग्रीव मेरे रिश्तेदार नहीं, यह सही है कि मैं हेतराम से मेरा खून का रिश्ता नहीं है। सुनीता कौल मेरी बेटी नहीं है, यह सही है कि सुनीता कौल हेतराम के रिश्तेदार नहीं है। सुनीता कौल का हेतराम से कोई संबंध भी नहीं है। सुनीता कौल की के पास पावर ऑफ अटॉर्नी किस हैसियत से आई? मेरी हेतराम से भूमि के संबंध में कभी कोई बात नहीं हुई। मैं भूमि क्रय करने के पहले उसे देखा था, जो दिलेरा के पहले थी वह बघार थी। जी यह कहना गलत है कि मैंने जो भूमि क्रय किया है वह डोलिया है जिसे रामबाई जोत बो रही है। यह सही है कि हेतराम दुलेरा में रहता है और रामा भाई अमराहा में रहती है। यह कहना गलत है कि राम भाई हेतराम की भतीजी है। यह सही है कि हेतराम व सुग्री भाई जो मैंने सुना था, हेतराम व सुग्री भाई दो भाई हैं जो मैंने सुना था। यह सही है कि मैंने सुग्रीव को नहीं देखा। मैं साल भर पहले हेतराम से मिला था और जमीन खरीदने की बात की थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, जब सुग्रीव की मृत्यु हुई तब उसका पिता दैदक जीवित था। दैदक कोल की 4 एकड़ जमीन थी। यह सही है कि दैदक कोल की जमीन में उसके दोनों पुत्रों का हक था। यह सही है कि सुग्रीव के मरने के बाद उसकी पुत्री उसकी जमीन पर उसकी पुत्री का हक हो गया था। जी हो तो जब गया पुत्री का हक हो गया था तो हेतराम उसको ये जो कर रहा था, हेतराम जो इसको बेच रहा था कॉल के थ्रू, तब इसके दिमाग में विचार आना चाहिए था कि ये वही इसको तो ले लो, की सहमति लेनी चाहिए पुत्री को तो कहीं कर लो। मतलब सहम ही इज एक्सेप्टिंग दिस, यस ही यस वाज हैविंग टाइटल, जी मिलो ही वाज नॉलेज अबाउट टाइटल ऑफ दिस लेडी। यह सही है कि हेतराम अपने हिस्से की कुछ जमीन बेच दिया था, जी यह भी उसने स्वीकार किया। स्वतः कहा कि कुछ बची थी, कुछ बची कुछ बची थी माने वो वाली जो छोटी सी जो कुछ 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 डिसमिल में जो थी। यह सही है कि मैंने रजिस्ट्री को सुनीता कौल से कराई थी। यह कहना गलत है कि रजिस्ट्री की जानकारी हेतम कौल को नहीं दी गई थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं, पिछले 5-6 वर्षों से हेतराम को दिमाग सही नहीं है। यह सही है कि विवादित भूमि पर हर हर सोयाबीन की फसल बोई जा रही है। यह कहना गलत है कि उसे रामबाई बो रही है। यह कहना सही है कि फसल रामबाई ही काट रही है। यह कहना गलत है कि सुनीता को बहकाकर शहडोल लाए थे। जब इस तरह की क्रॉस हो रही थी तो सुनीता वाज नेसेसरी आई थिंक टू बी एग्जामिन्ड। मतलब लेकिन आई एम नॉट कन्विंस, क्योंकि प्रॉपर्टी दूसरे की इन्होंने जो है खरीद ली। देखिए, दिस सेकंड अपील हैज बीन प्रेफर्ड बाय द अपीलेंट डिफेंडेंट।